हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। 43.55 करेंट प्राइस है, -3.54% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, हो सकता है आज ये लोअर सर्किट में क्लोज हो, बिकॉज फ्रेंड्स न्यूज़ ही ऐसी थी। आज मार्केट ने, निफ्टी ने आज डाउन ही होना था, बिकॉज US मार्केट भी लास्ट सेशन पे बहुत ज़्यादा डाउन में थी। रीजंस है, US फेड की मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में इन्फ्लेशन को डिस्कस किया गया है एंड एक रिसेशन का थोड़ा सा भी डर भी बना हुआ है। एंड जितने IT के शेयर से बहुत ज़्यादा गिरे हैं, तो ब्राइटकॉम ने भी गिरना ही था। सो देखें, अगर 52 वीक हाई 122 रुपीज़ के आसपास है, 52 वीक लो 20 रुपीज़ के आसपास है। ASM स्टेज 1 में भी सेबी ने इसे डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमें गिरावट अभी शेयर में और देखने को मिल सकती है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी लेनी है, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंटर करना है शॉर्ट टर्म के लिए, आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन ये शेयर कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड चलता है। सो डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करता एक शेयर है, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। बाइंग में प्रेशर देखिए, 89 लाख समथिंग एंड सेलिंग में बाइंग में है फ्रेंड्स 89,000 समथिंग एंड सेलिंग में है 7,31,000 समथिंग। तो फ्रेंड्स, हमें एक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अभी 3.5% के आसपास, लेकिन ये मार्केट ये क्लोज हो सकता है अपर सर्किट में, और अब इसमें नेक्स्ट 2 to 3 डेज भी और लोअर सर्किट लग सकते हैं। लेटेस्ट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, सब कुछ पॉजिटिव था फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस कॉल इतनी पॉजिटिव थी, बट उसके बाद भी जैसे US फेड मीटिंग में जो हुआ है उसके बाद से अब मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, स्पेशली IT सेक्टर में। IT सेक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर IT सेक्टर से बिलोंग करता है। अभी तक 60% डिलीवरी उठाई गई है एंड 18 लाख समथिंग शेयर ट्रेड हुए हैं। इवनिंग तक वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियो लेट इवनिंग डेफिनेटली आएगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको टारगेट्स बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या लेके चलेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टारगेट जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जो US फेड मीटिंग में हुआ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ना ही था। कल ही पता था सबको कि आज इसमें एक लोअर सर्किट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी चल रहा है 43.60, नेक्स्ट टारगेट अपर साइड में 45 रुपीज़ का लेके चलिए, लोअर साइड में 41 रुपीज़ का लेके चलिए। चांसेस किसके ज़्यादा हैं? 41 रुपीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट टारगेट आप इसमें 41 रुपीज़ का देखने को आपको मिलेगा। तो जिन्होंने अभी एंट्री लेनी है, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 35 के आसपास जहाँ पर आपको एंट्री लेने का मौका मिलता है वहाँ पर आप एंट्री लेके शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसे बना सकते हैं। सो न्यूज़ तो फ्रेंड यही थी कि US फेड मीटिंग में जो रिसेशन के पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उससे IT सेक्टर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन सारे के सारे शेयर्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टूटे हैं, तो इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना था, इसलिए आज इंडियन मार्केट रेड है और नेगेटिव दे रही है रिटर्न। थैंक यू सो मच।